वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल मसाला फिश की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से फटाफट से बन जाती है। तो इसे आप ज़रूर अपने घर पे बना के ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हमारे रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 पीस फ़िश ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब फ़िश पे जो हम कोटिंग करेंगे मसाला, उसे हम तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब बेसन ऐड किया है, बेसन लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। 1 चम्मच नींबू का जूस हमें ऐड करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हमें इसे स्मूथ एक पेस्ट बना लेना है, ताकि ये फिश की अच्छी कोटिंग हो जाए इससे। देखिए, और थोड़ा पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि वो कम पानी था थोड़ा, तो अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये अब देखिए, ये पेस्ट अच्छा सा बन चुका है। अब जो हमने फिश को धो करके रखा है, उसे इसमें डिप करते हुए सारे फिश पे अच्छे से लगा लेंगे मसालों को। तो देखिए, मैं इस पे लगा ले रही हूँ फिश पे अच्छे से मसाला। अब मैंने सारे फिश पे ऐसे मसाले लगा दिए हैं। अब इसे हम साइड कर देते हैं। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए, जिसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल गरम होते ही हम सारे फिश को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, हाई फ्लेम में फ्राई करना है। तो मैंने सारे फिश को रख दिया तेल पे, अब इसे हम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे और बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो अब देखिए, ये 1 मिनट के बाद मैं इसे पलट रही हूँ। देखिए, एक साइड में बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो दोनों साइड ही ऐसा ही कलर आना चाहिए इसका। तो देखिए, हमारे सारे फिश गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे हम साइड करके रख लेते हैं। तो चलिए, अब ग्रेवी का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा साइज का प्याज काट लिया है और 1 बड़ा साइज का टमाटर को काट लिया है। इसे हम मिक्सी में डाल करके पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने मिक्सी पे डाल दिया प्याज टमाटर, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी को ऐड करके अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी पे। तो चलिए, अब देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब चलिए इसे बना लेते हैं। कढ़ाई पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, ये 2 टेबलस्पून के करीब तेल है। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्चें बारीक काट करके डाल देंगे। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये हरी मिर्च डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए मैंने ऐड किया है यहाँ पे। तो इसको हम सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम मटर और प्याज का पेस्ट बना करके रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद हमें ऐड करना है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। 1/2 चम्मच हमने जीरा पाउडर ऐड किया है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है। इसको अच्छे से तब तक भूनना है जब तक मसालों में से सेपरेट जब तक ना हो, तब तक इसे भूनना है अच्छे से, तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल भी सेपरेट होने लगा है मसालों में से। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला बहुत ही थिक हो चुका है, इसे थोड़ा पतला करने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। और अब इसमें हमने जो फ्राई किए हुए फिशेस रखे थे, वो सारे इसमें रख देंगे और दोनों साइड मसालों को अच्छे से लगा देंगे फिश के ऊपर, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब देखिए, मैंने मसालों पे फिश पे मसाला लगा दिया है पलट पलट करके, और इसे हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखिए, हमारा फिश सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे चावल, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है।